दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास भी और यानी कि विषम नंबर की गाड़ी है, तो आज कम से कम उनके लिए परेशानी नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, सुनिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के लोग अपने चाहने वाले, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। और अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरे दिल्ली से ऑफिसर्स की, वो ये है कि, और आप लोगों की भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि दिल्ली के अंदर आज ऑड इवन काफी सक्सेसफुल रहा, काफी सक्सेसफुल चल रहा है, और इवन नंबर की बहुत ही कम गाड़ियां सड़क पे दिख रही हैं। और कुछ एक गाड़ियों को जब ऑफिसर्स ने रोका भी तो वो या तो सीएनजी व्हीकल निकले या एग्जम्प्ट कैटेगरी के निकले। तो बाय एंड लार्ज दिल्ली के लोगों ने इसको बहुत खुले मन से और बहुत अच्छे से इसको अपनाया है, पूरे एंटी पोल्यूशन ड्राइव को। जैसा मैं बार बार कहता था कि ये एक ऐसी चीज है जो कि डंडे से नहीं की जा सकती हासिल, ये केवल तभी हो सकता है जब लोग दिल से इसको अपनाएं और लोग इसको ये एक तरह से मूवमेंट बन जाए। तो अभी तक का एक्सपीरियंस ये दिखा रहा है कि दिल्ली के लोगों ने इसको अपना लिया है, ये मूवमेंट बन गया है, और आई एम ट्रूली ओवरवेलम्ड बाय द रिस्पॉन्स दैट वी हैव रिसीव्ड सो फार। दिल्ली के लोग बहुत जबरदस्त लोग हैं, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम करके दिखाया है, और इसके सफलता के बेसिस पे मैं इस बात से कॉन्फिडेंट हो रहा हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर दिल्ली के लोग और बहुत बड़ी बड़ी चीजें करके दिखाएंगे, दूसरी बुराइयों को भी हम सब मिलकर दिल्ली के लोग निजात पाके दिखाएंगे, एंड दिल्ली विल शो द वे टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड टू द रेस्ट ऑफ द अरविंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। हालांकि शुरुआती 2.5 घंटे ही अभी बीते हैं, लेकिन वो इस बात का दावा करते हुए कि दिल्ली के लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने सुबह सुबह 2000 का चालान भरा उनके लिए जाहिर तौर पर मुश्किलें हैं, क्योंकि अभी भी जागरूकता की कमी है इसको लेकर और लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। उम्मीद यही कि बीच का कोई रास्ता निकले ताकि लोगों की दिक्कतें भी कम हो सके और दिल्ली से प्रदूषण भी।